हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है एंड ऑलमोस्ट सभी को ये प्रॉब्लम रहती ही है कभी ना कभी। सो डार्क सर्कल्स होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें, आपकी बॉडी में इंटरनली अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं, मे बी आप एनेमिक हैं या आप दूध नहीं पी रहे हैं लाइक मी, या फिर आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रह सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप लेट नाइट जगे रहते हैं, मे बी आप नाइट शिफ्ट्स में जॉब करते हैं, या फिर आपको नींद नहीं आती है, या फिर आप मोबाइल्स में रात भर बिजी रहते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें भी रूटीन में करने लगते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि आपकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक्सटर्नली तो डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर सकते हैं, पर वो जो ट्रीटमेंट है कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी टेम्प्ररी। तो परमानेंट सॉल्यूशन अगर आपको इस प्रॉब्लम का चाहिए तो आप इंटरनली अपनी जो डाइट इश्यूज हैं या कुछ डेफिशिएंसीज हैं उनको फुलफ़िल करें, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और जानें कहीं आप एनेमिक तो नहीं हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं जिनकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सटर्नली उनको ट्रीट करें। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट तो चलना ही चाहिए गाइज, बट इंटरनल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर परमानेंट सॉल्यूशन। तो आज के मेरे वीडियो में सबसे पहले तो मैं एक प्रोडक्ट का छोटा सा रिव्यू करना चाहूँगी। तो जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है एक अंडर आई जेल जो कि है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट कंपनी का। अगर आप देख सकते हैं इस तरह का ये जेल है और इट सेज दैट इट कैन ट्रीट डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस अंडर योर आइज, और इसकी कॉस्ट है 595 रुपीज़, विच इज़ नॉट सो चीप। तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया था फॉर माई डार्क सर्कल्स और मैंने इसे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एवरी नाइट रिलीजियसली लगाया था, बट आई मस्ट टेल यू इट डजेंट वर्क, बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, और आप इस प्रोडक्ट में तो बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। तो अब सोचा जाए कि आखिर किस चीज़ से हम इन डार्क सर्कल्स से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज की मेरी रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है, और जो आपके किचन में प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं के थ्रू आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कोई झूठा प्रॉमिस बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ कि आप इसे 7 दिन लगाएंगे और आपके डार्क सर्कल्स छूमंतर गायब हो जाएंगे। नहीं, कम्प्लीटली मेरे भी नहीं गए हैं, लेकिन हाँ लाइट हो गए हैं। सो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में करेंगे तो डेफिनेटली आपके डार्क सर्कल्स वैनिश हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इंटरनल अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आप उसे जानें और उसका ट्रीटमेंट भी साथ में कंटिन्यू रखें, और दिन भर में अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो आइज के नीचे की स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और हम अगर उसको बहुत ज़्यादा रब करेंगे, अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है या आप दिन भर ऐसे ही अपना आइस को रब करते रहते हैं, तो उससे भी आइस के नीचे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या आप कह सकते हैं पिगमेंटेड हो जाता है आपका वो एरिया। तो वैसी चीज़ों को अवॉइड करें। सन से अपनी आइस को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सन की जो रेज हैं वो सबसे पहले जो सेंसिटिव पार्ट है उस पर इफ़ेक्ट डालेंगी, तो आपकी जो अंडर आइज़ हैं वो एरिया ब्लैक होने लगता है। तो जब भी आप सन में बाहर जा रहे हैं, एक तो या तो आप स्कार्फ यूज़ करें या फिर आप शेड्स यूज़ करें। एंड फ्रेंड्स, सनस्क्रीन इज़ मस्ट, चाहे कोई भी वेदर हो, सर्दी, गर्मी, क्लाउडी, रेनी, एनी वेदर, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। वो ना सिर्फ आपके अंडर आई एरिया को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपकी कंप्लीट स्किन को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं क्या है वो रेमेडी। सो फ्रेंड्स, इस सिंपल सी रेमेडी के लिए आपको ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, और
आई एम श्योर ये सारा सामान आपकी किचन में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसके लिए चाहिए आपको 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी। अगर आप हल्दी से एलर्जिक हैं तो आप प्लीज़ हल्दी को अवॉइड कर दें, बट इफ़ यू आर ओके तो आप हल्दी ऐड कर लें। इसका आपको पेस्ट बनाना है और मैं आपको जैसे डेमो में दिखाने वाली हूँ उस तरह से आपको अपने अंडर आइस के नीचे इस पेस्ट को लगा के छोड़ देना है टू ड्राई फॉर 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद आपको अपनी आइस को वॉश कर लेना। प्रेफरेबली आई विल सजेस्ट कि आप ये रेमेडी रात में लगाएं सोने से पहले, और वॉश करने के बाद आप सो जाएं, मोबाइल वगैरह सब छोड़ दें, लैपटॉप, आराम से रिलैक्स हो जाएं। रात में इसलिए क्योंकि रात में हमारी स्किन को सबसे मैक्सिमम टाइम मिलता है टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग एंड रिलैक्स स्टेट में होती है हमारी स्किन। तो कोई भी रेमेडी हो इट विल वर्क बेस्ट इन नाइट। ये था हमारा छोटा सा डेमो ऑन दिस रेमेडी। आपको इसी तरह से इस रेमेडी को डेली नाइट में लगाना है सोने से पहले, इसको सूखने देना है 10-15 मिनट तक छोड़ दें, और उसके बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ट्रस्ट मी आपको 7 दिनों में तो नहीं, पर हाँ आप 2 हफ्ता इसको लगातार कीजिए, आपको कंप्लीट डिफरेंस फील होगा। आपके अंडर आई एरिया काफ़ी लाइट हो जाएगा और धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही नेचुरल सी रेमेडी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर ये रेमेडी आपके लिए काम करती है तो इसे लाइक करें। टिल देन बाय।